हे हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स रखे गए हैं। प्राइस 300 रुपये से स्टार्ट है जी हाँ। 300 से 3000 जाते हैं, देन 4000 जाते हैं, 4.5, 5, 6, ऐसे करते करते हम यहाँ पे 17-18 आता है कि टीलर्स में रख रखी है। बट आज हम इन सब की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो नए नए लॉन्च हुए हैं नॉइस शॉर्ट्स X5 Pro ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स की। जी हाँ, और मैं बताऊंगा एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्या क्या इश्यूज देखने को मिले हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो आज के मैं बात करने वाला हूँ नॉइस शॉर्ट्स X5 Pro के मेजर इश्यूज की, कि एक्चुअल में कौन कौन से डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं इनको लेने का, तो आई थिंक आपका पूरा पूरा हक बनता है ये जानने का कि एक्चुअल में आपके हिसाब से जी हाँ क्या ये सही है कि नहीं है। और आप कोई भी चीज़ परचेज कीजिए हमेशा सोच समझने के बाद ही, जी हाँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज कीजिए, ना कि आप सिर्फ लुकिंग के चक्कर में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहां पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो लेट्स सी कि एक्चुअल के अंदर मुझे नॉइस शॉर्ट्स X5 Pro के अंदर कौन कौन से 5 मेजर इश्यू देखने को मिले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे इसको चार्जिंग केस को ही हम हाथ में लेंगे। जी हाँ, बड्स की डिजाइन अच्छी है, बट जो चार्जिंग केस है बहुत बड़ा साइज के अंदर है। और जितने मेरे पास TWS है उनमें हमेशा आपको एक ही चीज कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े साइज वाले TWS आपके पॉकेट के लिए फ्रेंडली नहीं होते हैं। मेरे पास बोट 491 है, इनको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, देखने में बहुत स्टाइलिश है। जी हाँ, अंदर से आप देखेंगे जो बड्स वगैरह कितना स्टाइलिश कूल लुक दे देते हैं, बट जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनका जी हाँ वो है इसका चार्जिंग केस। इतना बुरा डिजाइन, ये डिजाइन और इतनी बड़ी साइज वगैरह, भाई साहब आप ये TWS दे रहे हो कि पता नहीं आप कोई बक्सा दे रहे हो। सेम चीज इसके साथ है। जी हाँ, ये बड़ी बड़ी डिजाइन पॉकेट के हिसाब से सही नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होती है। डिजाइन क्या होते हैं आपको मैं बताता हूँ। ये मेरे पास Realme Buds Air है, ये मेरे पास MIA Dots 2 है, और यहाँ पे बोट 431 भी है। ये 300-400 वाले TWS है, इवन ये Lenovo S10 भी है। इसके अलावा जो बेस्ट जो साइज वगैरह है, आप देख सकते हैं सैमसंग Galaxy Buds Plus है, इवन यहाँ पे Jabra Elite Active 75T है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो हमेशा प्रिफर करती है वो छोटे साइज के अंदर, कभी आप ये नहीं देखोगे इतने बड़े बड़े बक्से दिए हुए। तो जो चार्जिंग केस का लुक वगैरह है ना, मुझे चाहे पे ये बोट 491 हो चाहे बर्ड्स का डिजाइन कैसे भी हो, चार्जिंग केस देखते ही मुझे पसंद नहीं आया था। सेम चीज मुझे यहाँ पे है नॉइस शॉर्ट्स X5 Pro में देखने को मिले। इतना बड़ा चार्जिंग केस, बहुत हैवी है, दूसरा बहुत बड़ा साइज के अंदर है, तो बहुत इरिटेटिव हो जाता है। जी हाँ, तो ये चीज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू है इसके साथ। सेकंड जो मुझे मेजर इशू लगा है, अभी ये एज पर 2020 अभी मई के अंदर लॉन्च हुए हैं, प्राइस इसकी 5000 रुपए है। और 5000 रुपए के अंदर अगर आप मान लीजिए जो आपको जो ईयर सेंसर होते हैं, मीन्स जैसे आप यहाँ पे इनको ईयर से बाहर निकालते हैं, जो सॉन्ग वगैरह है वो अगर प्ले हो रहा तो पॉज हो जाता है, यहाँ पे ये सेंसर मिसिंग है। जी हाँ, आप चाहे पे ईयर से बाहर निकाले वापस अंदर प्लग इन करे, कोई भी सेंसर वर्क नहीं करता है। और ये चीज हमें अंडर 4000 रुपीज Realme Buds Air बहुत पहले दे चुका था। तो अगर आप इनको लेट लॉन्च कर रहे हैं, जी हाँ मई 2020 आप लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद ये बेसिक सा फंक्शन नहीं दो, इवन जो प्राइस है वो भी कम आपने नहीं रख रखी है, 5000 रुपए रख रखी है। तो आई थिंक ये फंक्शन होना चाहिए था, काफी सारे लोग ये फंक्शन डेफिनेटली मिस करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, पे आप 5000 रुपए पे कर रहे हैं बट आपको ईयर सेंसर नहीं मिले, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है। थर्ड बहुत बड़े इशू की बात करते हैं, जी हाँ वो है इसके ड्यूरेबिलिटी। जी हाँ, पहली चीज चार्जिंग केस बहुत हैवी है, तो आप मान लीजिए अगर आपने कुछ इसको ऐसे ओपन किया है, ऊपर वाला केस पकड़ के रखा है और हल्का सा भी ऊपर नीचे हो गया, डेफिनेटली चांसेस है कि ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। जो क्वालिटी है मुझे इतनी पसंद नहीं आई है। सेकंड चीज, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आपको यहाँ पे पीछे की तरफ पावर बैंक का ऑप्शन भी मिल जाता है। जी आप देख सकते हैं चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट है, बगल में USB 2.0 पोर्ट दे दिया गया है। चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर आपको 2200 mAh की बैटरी मिलती है, बट जो पावर बैंक होता है सिर्फ 70%। जी हाँ, तो आप 2200 का 70% निकाल लीजिए। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि पावर बैंक हमेशा 100% चार्ज हो, क्योंकि जैसे आप इन बर्ड्स को इसके अंदर प्लग इन करते हो, बर्ड्स को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे चांस है ही नहीं कि पूरा पूरा 100% हमेशा चार्ज रहेगा। यहाँ पे बैटरी 2200 है, बट आप मान के चलिए 2000 mAh के आसपास नॉर्मल रहेगी। उसके बाद अपना फोन जब आप चार्ज करोगे
तो 2000 का आप 70% निकाल लीजिए, 100% पूरा चार्ज करके नहीं देता है, तो अप्रोक्स 1400 तो 1400-1500 mAh मैक्सिमम चार्ज कर देगा। इवन जो चार्जिंग स्पीड है बहुत ज्यादा स्लो है। उसके थ्रू फोन को चार्ज लगाना है तो फ्लाइट मोड पे लगा के उसके बाद आपका सिर्फ जो फोन है वो सिर्फ 1500 mAh के आसपास मैक्सिमम चार्ज होगा, उससे कम ही होगा। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए आपके पास सैमसंग M31, M30S फोन, M20 जिसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, तो उसका 1/4 जी हाँ सिर्फ यहाँ पे 25% मैक्सिमम चार्ज कर पाएगा। कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि 25% भी आपका फोन चार्ज कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा मार्केटिंग की गई है, तो यहाँ पे ना तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी मुझे देखने को मिली है और ना ही यहाँ पे जो बढ़ा चढ़ा के मार्केटिंग की गई है मुझे पसंद आई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और मुझे ड्रॉबैक देखने को मिला है, वो है इसका कॉलिंग डिपार्टमेंट। अगर आप इसको इंडोर कंडीशन यूज करने वाले कहीं ना कहीं आप इजीली यूज कर सकते हैं, बट आउटडोर कंडीशन के अंदर स्पेसिफिकली मान लीजिए बैकग्राउंड में कोई ट्रैफिक की हॉर्न वॉर्न्स आ रहे हैं, इवन आप मान लीजिए थोड़ी हवा ववा चल रही है, तो इजीली आगे वाला इंसान आपकी वो सब आवाज वगैरह सुन पाएगा। तो जो नॉइज कैंसिलेशन है बिल्कुल भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जो हवा वगैरह है ज्यादा सुनाई देती है, हॉर्न्स वगैरह ज्यादा सुनाई देंगे। इवन एडिशनली जो आपकी साउंड है, चाहे आप इंडोर कंडीशन में बोल रहे हो चाहे आप आउटडोर कंडीशन में बोल रहे हो, आपकी साउंड आगे लाउड नहीं जाती है, तो कई बार आगे वाला इंसान बोलेगा कि थोड़ा सा जोर से बोलिए। तो ये चीज मैंने काफी बार नोटिस की है। तो कॉलिंग के हिसाब से यहाँ पे लाउडनेस में कमी है। आप मान लीजिए ईयरफोन में आप मान लीजिए आपकी 100% साउंड जाती है, तो यहाँ पे आपको 60-70% मैक्सिमम साउंड जाने वाली है। जिनकी रिक्वायरमेंट कॉलिंग है मैं उनको ये रिकमेंड करने को नहीं कहूंगा। फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मुझे इश्यू देखने को मिला है वो है कनेक्टिविटी। फोन के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी दे रहा है अगर आप एंड्रॉइड फोन के साथ, जिसके अंदर APTX मिलता है, प्रॉपर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। बट एक चीज नोटिस कर लीजिए, अगर आप इसको लैपटॉप के साथ स्पेसिफिकली आप मान लीजिए मैकबुक वगैरह है उनके साथ कनेक्ट करने वाले हैं, आपको यहाँ पे काफी बार कनेक्टिविटी इशू देखने को मिलता है, जो रेंज वगैरह है काफी कम हो जाती है। तो वो लोग जो इसको एज ए लैपटॉप के साथ यूज करना सोच रहे हैं, मीटिंग वीटिंग के साथ यूज करना सोच रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप यहाँ पे ये रिकमेंड ना ही करें। स्पेसिफिकली जो मैकबुक यूजर्स है वहां मुझे काफी इशू देखने को मिले हैं, तो प्लीज आप ये चीज नोटिस कर लीजिएगा, कनेक्टिविटी मुझे इशू देखने को मिला है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो। इसके अलावा भी कुछ मुझे इश्यू देखने को मिले, बट छोटे मोटे इश्यूज जैसे मल्टी पेयरिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता है, आप एक साथ एक ही डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मल्टी पेयरिंग ऑप्शन नहीं है, बट इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं इसको प्रॉब्लम नहीं मानता हूँ। जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे, मैंने आपको बता दिए। इवन आपको कहने को यहाँ पे ग्रिफिन ड्राइवर्स दिए गए हैं, बट मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ग्रिफिन ड्राइवर्स कोई नई चीज नहीं है, 3000 के जो TWS आते हैं उनके अंदर देखने को मिल जाता है। तो साउंड वगैरह आप इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत मान के चलिएगा। प्रॉपर डिटेल रिव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको डिटेल रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा, आप जहां जाके इसका प्रॉपर डिटेल रिव्यू वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपना पूरा पूरा ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, पूरा हर एक सेगमेंट वहां पे मैंने कवर अप किया है, कॉलिंग हो चाहे म्यूजिक हो चाहे गेमिंग वगैरह हो, सब कुछ मैंने प्रॉपरली बताया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। चीज परफेक्ट नहीं होती, तो हमेशा सोच समझने के बाद, प्रोज और कॉन्स दोनों जानने के बाद ही अपना डिसीजन फाइनल कीजिए। और इन केस अगर आपको ये परचेस करने हैं तो इसका बेस्ट परचेस प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाके प्राइस चेक कर सकते हैं। काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और ये था आज का ओवरऑल वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। इसके अलावा को कोई डाउट है, कोई क्वारी है, कोई फीडबैक है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इवन आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्मार्ट लाइक आप लोग नाम से बराबर है, वहां मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और जानसे वाले से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहां पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। मिलता हूं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, अभी अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।